प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग ग्रुप थ्योरी के एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर बात करेंगे जिसका कि नाम है लैग्रांजेस थ्योरम। ये जो थ्योरम है स्टूडेंट्स, ये बाय नेम भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है और कभी कभी स्टेटमेंट के साथ भी पूछी जाती है। स्टेट एंड प्रूव द लैग्रांजेस थ्योरम, इस तरह से भी पूछा जाता है और कभी कभी इसके स्टेटमेंट को भी दिया जाता है। तो आज हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, और थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे पहले एंड देन इसके बाद में इस थ्योरम का प्रूफ शुरू करेंगे, ठीक है। इस थ्योरम के प्रूफ को करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को कोसेट की कुछ अच्छी जानकारी होना ज़रूरी है एंड देन इसके बाद में कोसेट डीकम्पोजिशन की जानकारी भी होना हमें ज़रूरी है। तो आइए ज़रा हम लोग इस थ्योरम के ऊपर बात करते हैं और इसे प्रूफ करते हैं। जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स इस थ्योरम का वो है the order of each subgroup of a finite group is a divisor of order of group, that is order of G upon order of H. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहता है स्टूडेंट्स कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप का अगर हम लोग एक सब ग्रुप लें तो उस सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा ऑर्डर ऑफ जी का एक डिवाइजर होगा, ठीक है ना। मतलब ऑर्डर ऑफ जी में हमेशा ऑर्डर ऑफ एच का डिवाइड होगा ही होगा, ये लैग्रांजेस थ्योरम कहता है। अब आइए जरा इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, समझते जाइएगा, दो स्टेप्स में ये खत्म होता है। लेट एच बी द सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप G, ओके, एंड ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल्स टू M, कॉमा ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू N, वेयर M इज लेस देन N स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब हमने ये मान लिया बच्चों कि जो G है वो एक फाइनाइट ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल्स टू एम है एंड ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू एन है, ठीक है ना। नाउ लेट ए बिलोंग्स टू जी, मतलब ए जो है जी का कोई एलिमेंट है, देन दिस इंप्लाइज दैट ए एच इज अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, राइट स्टूडेंट्स। तो ए एच जो होगा वो एच का राइट कोसेट होगा जी में, एंड हैव एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, राइट। अगर ए एच राइट कोसेट है तो स्टूडेंट्स इस ए एच में भी उतने ही एलिमेंट होंगे जितने कि एच में है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एच हम एम मान के चले हैं, ठीक है ना। तो इट मींस दैट कि जो हमारा ए एच होगा वो ए एच कुछ इस तरह से होगा स्टूडेंट्स, क्या दिस वन, इट्स ए एच वन, ए एच टू, ए H3 and so on, A, H, M, students, ठीक है ना।
तो ये ए एच हमारा कुछ इस तरह का होगा। तो पहले तो हम लोग ये दिखाएंगे स्टूडेंट्स कि अगर फर्स्ट हम लोग ये दिखाएंगे कि अगर हम एच का कोई भी राइट कोसेट बनाएंगे, कोई भी राइट कोसेट जी का कोई भी एलिमेंट लेके, तो उसमें एम एलिमेंट ही होंगे, इससे कम एलिमेंट नहीं होंगे। तो पहला हमारा ये जो प्रूफ अभी हम लोगों ने केवल क्या किया बच्चों, अभी हम लोगों ने केवल एक एच लिया, एक जी लिया, दोनों के ऑर्डर लिए और एक राइट कोसेट बनाया है एच का जी में और उसके एलिमेंट्स को इस तरह से लिख दिया है। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी शो ए एच हैज एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो पहले हम लोग ये दिखाएंगे कि H में, यानी कि कोई भी AH हो, यानी कोई भी राइट कोसेट हो, उसमें H हमेशा M एलिमेंट होंगे और वो भी अलग अलग होंगे, M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। फॉर दिस सपोज कन्वर्सली राइट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने उल्टा मान लिया कि दो एलिमेंट, मतलब उसमें एम एलिमेंट है नहीं डिस्टिंक्ट, कोई दो एलिमेंट इसमें मैच कर रहे हैं। सपोज कन्वर्सली दैट इज ए एच आई इज इक्वल्स टू ए एच जे, ठीक, वेयर आई नॉट इक्वल्स टू जे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच आई इज इक्वल्स टू एच जे हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर एच आई कॉमा एच जे बिलोंग्स टू एच एंड दिस एम्प्लाइज दैट एच हैव टू सेम एलिमेंट्स, ठीक, एच हैव टू सेम एलिमेंट्स, जबकि इट इज नॉट पॉसिबल, ये गलत है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही माना है कि ऑर्डर ऑफ एच कितना है, एम है, और अगर उसके दो एलिमेंट सेम हो गए तो फिर उसका ऑर्डर एम रहेगा ही नहीं, कम हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ एच नॉट इक्वल्स टू एम, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ एच नॉट इक्वल्स टू एम, बल्कि क्या हो जाएगा, इट्स अ लेस देन एम हो जाएगा, ठीक है ना, और जो कि क्या है, गलत है, एंड इट्स अ रॉन्ग। सो दिस इंप्लाइज दैट इट इज ऑर्डर ऑफ एच इज लेस देन एम, तो इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो दिस इंप्लाइज दैट every right coset AH has M distinct elements, ठीक है ना, M distinct elements। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने क्यों दिखाया कि H में M distinct elements हैं, वो इसलिए दिखाया कि हम लोग यहां पर ये क्लियरली करना चाहते हैं कि हम H के लिए कितने भी राइट कोसेट बना लें, उनमें हमेशा M ही एलिमेंट होंगे, M से कम नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं बच्चों और आते हैं कुछ इस तरह से आगे, ठीक है ना। आप लोगों ने राइट कोसेट डीकंपोजिशन ऑफ जी पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। तो राइट कोसेट डीकंपोजिशन ऑफ जी क्या कहता है कि जो जी है उस जी के किसी सबग्रुप एच के लिए अगर हम राइट कोसेट्स बनाएं तो जितने भी अलग 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 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट होंगे, डिसजॉइंट राइट कोसेट्स होंगे, उन सब का जो यूनियन है वो यूनियन हमेशा किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा। और यहां पर क्या है, जी जो है एक फाइनाइट ग्रुप है, तो अगर हम उसके राइट कोसेट डीकंपोजिशन बनाएंगे तो वो भी फाइनाइट होगा स्टूडेंट्स, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ
नंबर ऑफ जो राइट कोसेट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है ना। मतलब मैं यहां पे कुछ लिख के बताता हूं स्टूडेंट, कुछ इस तरह से, सिंस जी इज फाइनाइट, सो बाय राइट कोसेट, बाय राइट कोसेट डीकंपोजिशन, by right coset decomposition of G, by right coset decomposition of G, G is equals to A1H union A2H union A3H and dot dot union dot dot ए के एच। और ये कैसे हैं, ये सारे ए आई एच आर इंटरसेक्शन ए जे एच इज इक्वल्स टू फाइव स्टूडेंट्स। मतलब कि ये सारे जो राइट कोसेट्स हैं ये डिसजॉइंट हैं और इनकी संख्या होगी के, क्योंकि जो जी है वो फाइनाइट है, इसलिए उसके जो राइट कोसेट्स बन सकते होंगे वो भी फाइनाइट होंगे, लेकिन उनमें से क्या होंगे, उनमें से कुछ एक जैसे होंगे और कुछ बिल्कुल अलग अलग होंगे। कैसे, इस चीज को ऐसे समझिएगा, देखिए जो जी है वो फाइनाइट है मान ली, और उसमें एन एलिमेंट्स हैं, और उन्हीं एन एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट जो है एम कैप स्मॉल एम वो एच में है। तो अगर हम कोई H का एलिमेंट लेके H का ही राइट कोसेट बनाएंगे वो तो H के इक्वल ही आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि G के जितने एलिमेंट H में हैं उनके लिए H का जो राइट कोसेट बनेगा वो H के इक्वल ही होगा। मतलब कि वो तो बिल्कुल एक जैसे राइट कोसेट होंगे तो उनको तो अलग ही कर दीजिए। अब बचे हुए जो n माइनस m एलिमेंट है उनके लिए अगर राइट कोसेट बनाएंगे तो वो डिफरेंट हो भी सकते हैं और कुछ मैच कर सकते हैं। तो जो मैच कर जाएंगे उनको अलग हटा दीजिए। जितने भी डिसजॉइंट राइट कोसेट्स होंगे उन सब का जो यूनियन है वो जी के इक्वल होगा। तो यहां से फिर एक कॉन्सेप्ट निकलेगा, क्या निकलेगा कि दिस एम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू, ये देखिए इसमें एम एलिमेंट है, इसमें एम एलिमेंट है, इसमें एम, इसमें एम, तो दिस इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए वन एच प्लस ऑर्डर ऑफ ए टू एच प्लस डॉट डॉट ऑर्डर ऑफ ए के एच स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज ऑर्डर ऑफ जी कितना है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू एन है, ये हो जाएगा बच्चों कितना, इट्स एम प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी एम ही है स्टूडेंट्स, और कितने टाइम्स आएगा ये, के टाइम्स, ठीक है। के टाइम्स क्यों, क्योंकि कितने राइट कोसेट्स थे, के राइट कोसेट्स थे, तो ये के टाइम आएगा। तो यहां से आ जाएगा बच्चों n इज इक्वल्स टू एम के, एम के टाइम्स है तो यहां k आ जाएगा, और दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू n अपॉन m आ जाएगा, m को नीचे लेगा। एंड दिस व्हाट, एंड व्हाट इज दिस, k का मतलब क्या हुआ, k मतलब k इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h, क्योंकि m क्या है, ऑर्डर ऑफ h है, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ g है, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। मतलब ये कि ऑर्डर ऑफ जी में ऑर्डर ऑफ एच का डिवाइड हो रहा है और वो किसी कांस्टेंट के इक्वल है, और यही लैग्रांजेस थ्योरम कहती है स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स इस प्रूफ में लैग्रांजेस थ्योरम को कंप्लीट किया, जिसमें हमें ये प्रूफ करना था कि ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी में ऑर्डर ऑफ एच का डिवाइड होता ही है हमेशा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक सब ग्रुप लिया जी का, ध्यान दीजिएगा जी फाइनाइट है तो एच भी फाइनाइट होगा, तो एम और एन उनके ऑर्डर्स लिए। फिर हमने एच का एक राइट कोसेट बनाया जी में, वो हमने लिखा, उसके एलिमेंट्स लिखे। फिर हम लोगों ने ये दिखाया कि हम कितने भी राइट कोसेट्स बना ले एच के, उन सब में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमेशा स्मॉल एम ही रहेंगे, उससे कम नहीं रहेंगे। तो इसको दिखाने के लिए हमने उल्टा मान लिया, हमने मान लिया कि एच में
यानी कि ए एच या राइट कोसेट जो है उसमें दो एलिमेंट मान लीजिए बराबर है, एक जैसे हैं, तो अगर उनको हम लोग बराबर लेते हैं तो ये राइट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और एच आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच जे आ जाएगा। मतलब कि ये हुआ है स्टूडेंट्स के एच हैव टू सेम एलिमेंट्स, और ऐसा ऐसा अगर हो गया तो ऑर्डर ऑफ एच जो है वो एम के इक्वल नहीं होगा, कम हो जाएगा, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी राइट कोसेट अच्छा मैं यहां पर एक बहुत बड़ी गलती कर दिया हूं स्टूडेंट्स कि इट्स नॉट अ राइट कोसेट, इट्स अ लेफ्ट कोसेट। तो आप ये पूरी थ्योरम के प्रूफ में जो है वो सही कर लीजिएगा। तो लेफ्ट कोसेट ए एच हैज डिस्टिंक्ट एलिमेंट, और मैं यहां पर भी क्लियर कर देता हूं कि इट्स नॉट अ लेफ्ट राइट कोसेट, इट्स अ लेफ्ट कोसेट, ठीक है ना। तो ये भी लेफ्ट कोसेट हो गया, रे भी लेफ्ट कोसेट हो गया फर्स्ट ओके, और यहां पर भी जीज फ्रेंड्स, राइट कोसेट डीकम्पोजिशन की जगह आ जाएगा लेफ्ट कोसेट डीकम्पोजिशन, ये एक ही बात होती है ना, लेफ्ट कोसेट डीकम्पोजिशन ऑफ जी। तो इसको बेटा क्लियर कर ली, मतलब सही कर लीजिएगा आप लोग अपने प्रूफ में। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने लेफ्ट कोसेट्स की मदद से और लेफ्ट कोसेट डीकम्पोजिशन की मदद से ये प्रूफ किया कि ऑर्डर ऑफ जी में हमेशा ऑर्डर ऑफ एच का डिवाइड होगा। तो मैं यहां पे समझाते हुए आपको यहां पर था कि ए एच में हमेशा अलग अलग एलिमेंट होंगे और एम ही होंगे। फिर हम लोगों ने ये समझा कि जो जी है उसे हम राइट लेफ्ट कोसेट्स के डीकम्पोजिशन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जब हम लोग ऐसा करेंगे तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ जी है वो इन सब राइट लेफ्ट कोसेट्स के ऑर्डर का सम होगा। तो जैसे ही हम लोग ऐसा करते हैं तो m हमारे पास k टाइम्स आ जाता है और k इज इक्वल टू n अपॉन m आ जाता है, मतलब ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू k के कोल आ जाता है, मतलब कि ऑर्डर ऑफ g में ऑर्डर ऑफ h का डिवाइड हो रहा है। यही हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, ठीक है। यही थ्योरम अगर आप लेफ्ट कोसेट की जगह राइट कोसेट ले लेंगे तो उससे भी प्रूफ किया जा सकता है, बिकॉज जो कोसेट डीकम्पोजिशन थ्योरम है हमारा स्टूडेंट्स, या वो जो रिजल्ट है वो लेफ्ट कोसेट के लिए भी वेल डिफाइंड है और राइट कोसेट के लिए भी वेल डिफाइंड है स्टूडेंट्स, राइट। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने लैग्रांजेस थ्योरम को कंप्लीट किया, आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। हम जल्द ही ग्रुप थ्योरी के किसी नए थ्योरम या नए रिजल्ट या नए टॉपिक के ऊपर फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।